जितने और इनके अनुसांगिक संगठन हैं उनको लगाया गया, आदिवासी पिछड़े दलित इलाकों में इन्होंने काम किया और महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में जो भी चाहे उत्तरी महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, कोंकण का एरिया हो, मुंबई हो, हर जगह पे महायुति ने एक मेहनत की और उसका उनको रिजल्ट अभी मैं राजकुमार जी आपके पास एक सवाल के साथ आऊंगा क्योंकि महाराष्ट्र से जुड़ा ही सवाल है और इसमें एक और बड़ी खबर आ रही है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर रुझानों में बीजेपी आगे है, ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि कुंदरकी सीट जो है मुस्लिम बाहुल्य। विजय जी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। विजय जी मैं आपके पास आऊंगा रिएक्शन के लिए। हमें लगता है कुंदरकी सीट को लेकर जिस तरीके से यूपी की 9 सीटों के रुझानों बीजेपी 7 सीटों पर आगे चले, लेकिन कुंदरकी को लेकर जिस तरीके से ये बड़ी खबर आ रही है, काफी कहा जा सकता है कि अप्रत्याशित जो है परिणाम आ सकते हैं मुरादाबाद की कुंदरकी सीट। विजय जी कमेंट कुछ देखिए। कुंदरकी सीट पे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये पहले ऐसे बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिन्होंने मुस्लिम टोपी और मुस्लिम वस्त्रों के साथ जाके मुस्लिमों के बीच में वोट मांगा है। अच्छा। मुस्लिम राजपूतों को खास तौर पे इन्होंने फोकस किया है और बीजेपी के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कुंवर बासित अली, वो चूंकि उसी इलाके के रहने वाले हैं तो वो भी मुस्लिम राजपूत है, तो मुस्लिम राजपूतों को लेकर एक अलग किस्म का नैरेटिव क्रिएट किया गया और मुझे लगता है पसमांदा की राजनीति बीजेपी की फेल हो गई, शुरुआत से करती आ रही है। लेकिन मुस्लिम राजपूत की राजनीति अगर उनकी सफल होती है तो आगे ये बड़ा चमत्कार। ये जो रुझान है ये बड़ा दिलचस्प है। आप किस तरीके से कहेंगे कुंदरकी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती है, मुस्लिम बाहुल्य भी है। हाँ, विजय भाई ने बहुत दिलचस्प बात कह दी है कि जिस तरीके से पसमांदा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, मुसलमान उनके साथ नहीं आया, लेकिन अब राजपूतों की यानी अपर कास्ट को अपने फेवर में लेने की अगर वो कोशिशें हुई है इस सीट पर और सफलता के संकेत मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि नई दिशा भारतीय जनता पार्टी को ये सफलता देगी और अपर कास्ट मुसलमानों को अपने साथ लेने की एक नई आजमाइश शुरू करेगी भाजपा। बिल्कुल राजकुमार जी किस तरीके से देख पा रहे, क्योंकि अभी हम लोग कुंदरकी की बात कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे थे और आप कह भी रहे थे कि 3 सीटें, करहल का आपने जिक्र किया, कुंदरकी का जिक्र किया और सीसमो का जिक्र किया, लेकिन कुंदरकी में तो भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे है और काफी आगे है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आने वाली राजनीति की बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर तय होंगी, जैसे कि अभी हमने पहले कहा था आपको कटहरी से, और अब कुंदरकी भी अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर बढ़त बना रही है तो ये जैसे कि विजय उपाध्याय जी ने बात कही, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो मुस्लिम राजपूत की जो बात है उधर भारतीय जनता पार्टी जा रही है और वहाँ पर प्रत्याशी भी कुंदरकी में राजपूत हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ये अगर वहाँ पे जीत जाते हैं, क्योंकि अभी आपने जो दिखाए थे पिछले बार जो साहब जीते थे बर्ग साहब, कितना बड़ा अंतर था, बहुत बड़ा अंतर, और 60% वोट वहाँ मुसलमानों का है, तो कुंदरकी को तो देख के ही विपक्षी दल हथियार डाल देते थे पहले। और यहाँ मैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहूँगा कि क्या उन्होंने जीवट दिखाया, ऐसी सीटों पर भी जबरदस्त प्रचार किया है और जबरदस्त प्रचार ही नहीं किया, स्ट्रेटजी बनाई और ये मान के चले कि हम ये जीत सकते हैं, ये मान के चलना ही बहुत बड़ी बात है। रामपुर हुआ, कुंदरकी हुआ, उधर सहारनपुर की 1-2 सीटें हैं नवे साहब, जहाँ पर मान के भी नहीं चलते थे कि वहाँ पे हम जीत पाएंगे, तो ये बड़ी बात है और अगर ये होता है तो सबसे बड़ा उलटफेर होगा। इसमें एक वैल्यू एड मैं ये करना चाहूंगा कि कुंदरकी में अगर बीजेपी जीतती है तो कटोगे बटोगे कटोगे नारे का